जिला अभिभाषक संघ ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। शिवपुरी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज जिला अभिभाषक संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान अभिभाषक संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि अक्सर देखने में आ रहा है कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं पर लगातार घातक और गंभीर मारपीट की घटनाएँ देखने में आ रही हैं, जिससे अधिवक्तागण निष्पक्षतापूर्वक अपना विधि व्यवसाय नहीं कर पा रहे तथा पक्षकार भी न्याय से वंचित रह रहे हैं। पूर्व में भी अधिवक्ताओं द्वारा कई बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, किंतु आज दिनांक तक अधिवक्ताओं के हित में कोई भी फैसला नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ के आह्वान पर जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी मांग करता है कि अति शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिए गया, क्या कुछ मांग? विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश राज्य के अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निरंतर ये मांग की जा रही है कि अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमले तथा दुर्घटनाओं के संबंध में मध्य प्रदेश में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। उस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आज अधिवक्ताओं द्वारा राज्यपाल महोदय के, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए संपूर्ण मध्य प्रदेश में। बड़े आश्चर्य का विषय है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में ये एक्ट लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कमेटी का गठन किया जा चुका है, लेकिन 17-18 साल से भाजपा की जो सरकार यहाँ काम कर रही है वो एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के बारे में, सुरक्षा के बारे में कोई भी कानून नहीं ला रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद जैसा राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश होंगे संपूर्ण राज्य में हड़ताल, काम से व्रत रहना, आगे के कदम उठाए जाएंगे। पंचायत में देखें